नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी में बहाली निकाली गई है आईटीआई छात्रों के लिए और डिप्लोमा करने वालों के लिए। दोस्तों, लगातार बहाली आ रही है, हर महीने कहीं ना कहीं बहाली आती है, लेकिन हम लोग तैयारी नहीं करते हैं और लगता है कि बहाली आएगा तो तैयारी करेंगे, तब इसके बाद समय निकल जाता है। देखिए, फिर से एक नया बहाली आया हुआ है जिसमें आप अप्लाई करके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। ठीक है, अगर आप अभी से भी अगर तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा तो फ्यूचर में दिल्ली मेट्रो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसरो, डीआरडीओ, तमाम बहाली आने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको अभी से तैयारी करना होगा। हमारे इजी वे कोचिंग में ऑनलाइन मास्टर कोर्स को लॉन्च कर दिया गया है, मास्टर कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो ऑफलाइन तैयारी करना है तो आप हमारे इजी वे कोचिंग के ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बात कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए ओएनजीसी की जो बहाली है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बताने वाले हैं कि ओएनजीसी में जो बहाली निकाली गई है इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कि इसका पोस्टों की संख्या क्या है, किस तरह से अप्लाई करना होगा, इत्यादि के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बिना देर के हुए आपको हम बता देते हैं कि इसमें जो बहाली निकाली गई है इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जहां के बहाली निकाला गया है। मतलब ओएनजीसी का प्लांट जहां जहां पे इंस्टॉल है और जिस जिस प्लांट में रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं, अगर आप वहां के निवासी हैं, उस राज्य के निवासी हैं, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसके लिए यहाँ पर बहाली निकाली गई है। सबसे पहले ONGCIndia.com ये डालेंगे तो ये वेबसाइट का पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पे कैरियर का सेक्शन है। इस कैरियर वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। और इस पेज पर देखेंगे तीन तरह का नोटिफिकेशन दिया हुआ है, पहला इंग्लिश में, दूसरा हिंदी है और तीसरा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। आज से फॉर्म भरा स्टार्ट हो गया और 25 तारीख तक चलेगा, तो यहाँ से नीचे वाले लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया इंस्ट्रक्शन दिया गया है, 7 तारीख मतलब आज से फॉर्म स्टार्ट है और 28 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को आगे भर सकते हैं। मैं इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया हूँ, यहाँ पे ये रहा इसका नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम बताना चाहेंगे आपको इस बहाली के डिटेल्स में क्या दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, ये कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट लिखा हुआ है। कैंडिडेट कैन अप्लाई द पोस्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है, एज पर द स्टेटस ऑफ डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंट of data state subject to meeting other eligibility criteria। बोला है कि जो पद निकाले गए हैं जिस राज्य से संबंध रखता है, उस राज्य से संबंध रखने वाले वहाँ के डोमिसाइल वाले या वहाँ के परमानेंट निवासी जो लोग हैं वहीं इसमें अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं सीधे कहाँ कहाँ की ये पोस्टें निकाली गई है और कहाँ कहाँ के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं A1 में देहरादून के लिए, यहाँ पे देहरादून के लिए दिया गया। देहरादून मतलब उत्तराखंड राज्य के जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहाली निकाली गई है। यहाँ पे कोडिंग किया गया है, जो यहाँ पे F1 है मतलब इसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे, और इसी में जो A1 है इसी के नीचे यहाँ पर देखेंगे ये A1 कैटेगरी वाला है, ये A1 है, ऊपर F1 है, ये F1 है। F1 में मतलब डिप्लोमा होना चाहिए और A1 के लिए ITI होना चाहिए, और ITI जिस ट्रेड के यहाँ पे डिमांड किया उस ट्रेड से ITI होना चाहिए। तो लगभग बहुत सारे ट्रेडों के लिए यहाँ पर बहाली है, तो समझ सकते हैं जो A1 वाले हैं वो डिप्लोमा वाले उसमें अप्लाई करेंगे, और जो A1 में ITI वाले अप्लाई करेंगे और F1 में डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये देहरादून के लिए रहा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो यहाँ पे दिल्ली के लिए है, दिल्ली के लिए है। दूसरे नंबर पे A2 में दिल्ली के लिए है, दिल्ली के लिए है कि जो दिल्ली के निवासी है वही अप्लाई कर सकता है। जैसे क्या होता है कि दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट का एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे पूरे राज्य के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि अगर आप दिल्ली के डोमिसाइल वाले हैं, दिल्ली में परमानेंट आपका निवास है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर सकते। मतलब केवल दिल्ली वाले ही अप्लाई करेंगे। इसमें भी सेम वही कंडीशन है, A1 वाले कंडीशन में जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो अप्लाई करेंगे, और A1 वाले जो पोस्ट है उस पर ITI के बच्चे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद मुंबई, महाराष्ट्र के बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे बाहरी निकाली गई है, और यहाँ पे सीटों की संख्या काफ़ी अच्छा है जो महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, यहाँ भी डिप्लोमा और ITI के लिए बाहरी निकाला गया है, देख सकते हैं F1 A1 करके यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट जो यहाँ पे राज्य आता है हमारे सामने गोवा है। ठीक है, गोवा के लिए भी यहाँ पे बहाली निकाला गया है। इसके बाद गुजरात के लिए बहाली निकाली गई है। गुजरात के बाद हम आगे बढ़ते हैं,
तो आपको यहाँ पे दिखेगा नेक्स्ट जो राज्य है, स्क्रॉल करने के बाद आएगा, दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे जोधपुर, राजस्थान। जो राजस्थान के बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे बहाली निकाली गई है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो चेन्नई, और चेन्नई मतलब तमिलनाडु और पंडुचेरी, तमिलनाडु और पंडुचेरी के जो बच्चे हैं वो भी, उनके लिए भी यहाँ पे बहाली निकाली गई है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो राज्य आता है यहाँ पे वो है हमारा असम। असम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे बाहरी निकाला गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो राज्य है हमारे सामने वो है अगरतला, त्रिपुरा है, त्रिपुरा के लिए निकाला गया है। अपने राज्य का नाम ढूंढ लीजिएगा, लास्ट में कुछ हम कहने वाले हैं तो बने रहिए मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कोलकाता, वेस्ट बंगाल वाले बच्चे के लिए यहाँ पर निकाला गया है बहाली। इसके अलावा नेक्स्ट आएगा हमारा बोकारो, झारखंड। बोकारो में भी ONGC का बहुत बड़ा प्लांट है तो झारखंड वाले जो बच्चे हैं यहाँ अप्लाई करेंगे बोकारो वालों में, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, अब नेक्स्ट नहीं है, इतने राज्य जितने राज्य का नाम मैंने लिया उन राज्य के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोगों के लिए बहाली नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है। सैलरी की बात करें तो देख सकते हैं डिप्लोमा के लिए 29,000 से लेकर 98,000 सैलरी है, रेंज है सैलरी का, ये रेंज है, बेसिक स्केल है 29,000 से लेकर 98,000। और वहीं ITI की बात करें हम तो ITI के लिए 26,600 से लेकर 87,000 है, मतलब ITI वाले बच्चों को कम से कम मिनिमम 35 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलने वाला है, क्योंकि ये महारत्न कंपनी है, ONGC भारत सरकार का महारत्न कंपनी है और ये काफ़ी पैसे सैलरी अच्छी देती है, फैसिलिटी भी अच्छी देती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन का, तो जो F1 वाला पोस्ट है उसमें 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और जो जिसमें A1 लिखा हुआ है उसमें 10th+ ITI होना चाहिए। जैसे हम बात करें जूनियर टेक्नीशियन फिटिंग के लिए तो यहाँ पर हाई स्कूल और क्लास 1 इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रेड सर्टिफिकेट इन फिटिंग मतलब फिटर का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी तरह से सारा क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, इसमें क्या लिखा हुआ है, हाई स्कूल पास होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए, साथ ही साथ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सैलरी हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि कुछ टर्म कंडीशन है, फिजिकल मतलब कंडीशन दे रहा है कि फिजिकली भी आपको कुछ टर्म कंडीशन को पालन करना होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है, जूनियर फायर सुपरवाइजर, जूनियर फायरमैन के लिए जो हाइट है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, ट्राइब्स के लिए 163 होना चाहिए, और जो असम स्टेट से उनको उनको भी 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट के लिए 81 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए और एक्सपांड करने पे 5 सेंटीमीटर एक्सपांड होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन दिया गया है, आप देख लीजिएगा आपके पोस्ट के अनुसार यहाँ पे डिटेल्स है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा गया है जो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है कि वैसे बच्चे जो जो उस राज्य से बिलोंग नहीं करते जहां पे बाहरी निकाली गई है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्लियर लिख दिया है, ठीक है। इसके अलावा लिखा है कि वैसे बच्चे जो वायरमैन से ITI किए हैं और इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई करना चाहते हैं वो भी इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रेड सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किस तरह से बहाली होगा, तो बहाली के लिए यहाँ पर दिया गया है कि आपसे एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और उससे पहले हम एज की बात करते हैं तो देखिए 18 से 30 साल एज वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं F1 और A1 पोस्ट के लिए जो जनरल कैटेगरीज हैं, ठीक है। OBC वाले 18 से 33 साल और SC ST के लिए 18 से 35 साल है, ठीक है, एज में छूट मिलेगा। और फॉर्म का जो डेट है वो 7 तारीख से लेकर 28 तारीख तक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे टेस्ट का सेंटर मतलब एग्जाम कहाँ कहाँ होगा उस एग्जाम का सेंटर का जिक्र यहाँ पे किया गया है और इसके अनुसार आपको एग्जाम देने जाना होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया है कि आपका जो ऑनलाइन CBT एग्जाम होगा जिसके तहत आपका सिलेक्शन होने वाला है, ऑनलाइन CBT एग्जाम होगा और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और जो एग्जाम होगा टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट शैल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का एग्जाम होगा। और ये जो एग्जाम होगा हिंदी
हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होना चाहिए शायद, यहाँ पर क्लियर नहीं मेंशन किया। द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट ओएल टेस्ट विल बी हिंदी, जो टाइपिंग वाले है ना हिंदी वाले उनको हिंदी में ही होगा, बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। 100 मार्क्स का होगा ये जो एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और यहाँ पे PWD के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए, पार्ट ए कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्जाम होगा जिसमें जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। इसमें आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग से रहेगा, आपको मैथमेटिक्स से भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, जिसकी संख्या 20% रहेगा, मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम होगा, इसमें 80% क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें क्वेश्चन का संख्या 80 रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, द फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द वेटेज असाइंड टू वेरियस पैरामीटर एज फॉलोइंग। नीचे देखिए यहाँ पर जो सिलेक्शन होने वाला है उसके यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। सबसे पहले CBT जो एग्जाम होगा उसका 85 नंबर ऐड किया जाएगा, टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा, उसका 85 नंबर आपको मेरिट लिस्ट में ऐड करेगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपके ITI का जो नंबर है उसका 10% ऐड करेगा मेरिट लिस्ट में। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का 5% ऐड करेगा, टोटल 100 नंबर इस तरह से ऐड करके आपका मेरिट लिस्ट बनाएगा। मतलब यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप बच्चे किए उनको भी बेनिफिट मिलेगा और जिनका ITI डिप्लोमा में नंबर अच्छा होगा उनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। और बाकी ये टोटल नंबर जोड़ के आपका मेरिट लिस्ट बनेगा जिसके बाद आपका जॉब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स में और भी चीज़ें दी गई है जिसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे, बाकी अलग से हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, और भी डिटेल्स में कुछ जानना चाहते तो हम वीडियो बना देंगे, लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट में बता दिए इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो बिहार UPO के बच्चे हैं ये इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और मुझे बहुत दुख होता है कि बिहार और UP में जितनी भी बहालियाँ होती हैं सब में पूरे राज्य पूरे देश के बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन जब कभी भी बहाली दूसरे राज्यों में आता है तो बिहार और UP के बच्चों को निगलेक्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ये बेहद ही गलत तरीका है और इस तरह के दोहरा रवैया जो अपनाया जाता है बिहार UP के छात्रों के साथ बिल्कुल ही असहनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर अलग से एक वीडियो बनाकर ट्विटर पर जरूर इस बात को हम लोग उठाएँ, बाकी जो हमारे इसके मिनिस्टर हैं या इसके जो अथॉरिटी है उनको उन तक पहुँचाया जाए कि ऐसा क्यों, हमने क्या गलती किया, बिहार में पैदा होकर या UP में पैदा होकर गलती कर दिया है क्या कि जो फॉर्म नहीं भरने दे रहे हैं। ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है तो सबको यहाँ पर मौका मिलना चाहिए, किसी के राज के बेस पे, किसी को क्वालिफिकेशन के बेस पे बाहर करना ये किसी भी तरह से सही नहीं है और ये अच्छा निर्णय नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत सारे बहालियों में ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार UP के जो छात्र हैं उनको निगलेक्ट किया जाता है, खासकर बिहार वाले बच्चे, यहाँ पर कुछ कंपनी है ही नहीं तो क्या बिहार के बच्चे बिहार में ही रहेंगे। देश सबका है, सबको मौका मिलना चाहिए। आई होप आप समझ गए हैं, जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही था, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ।